हेलो दोस्तों, तो आज हम हैं बुद्धा गार्डन जो है सेंट्रल दिल्ली में धौला कुआं के पास। और ये बुद्धा गार्डन की पार्किंग, ये सामने आप पार्किंग देख रहे हैं और यहाँ से एंट्री, अभी मैंने एंट्री करी है यहाँ से। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर। पार्क है, बहुत ही अच्छा है, मौसम भी शांति है यहाँ पे। और ये थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, हम जा रहे हैं स्टैचू के पास। देखिए और ये हम पहुंचे, ये यहाँ पे भगवान बुद्ध की स्टैचू। दोस्तों अभी हमें बुद्धा जयंती पार्क जो सेंट्रल दिल्ली में है, और ये काफ़ी बड़ा पार्क है, ये पूरा 88 एकड़ में है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे आप, जैसे आपको दिखाता हूँ, ये ट्रैक बने हुए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे लोग जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, ये देखिए लोग मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में आते हैं। और जैसे कहा जाता है इस पार्क के बारे में, काफ़ी कुछ सुनने को मिला है कि यहाँ आना सेफ नहीं है, तो मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पे कहते हैं कि दिन के, यहाँ पे एक दिन में कम से कम 500 लोग आते हैं, लोग अपने यहाँ पे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने, जॉगिंग करने, और इवनिंग में यहाँ पे फैमिली भी आती है और बच्चों को लेके, और काफ़ी लोग आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो सही है। और बाकी आगे देखते हैं क्या है, फैमिली को लेके आ सकते हैं लेकिन ग्रुप में ही आए, अकेले ना आए तो बेटर है, अकेले आना हो सकता है सेफ ना हो, जितना मैंने भी सुना है पढ़ा है। और दोस्तों ये पार्क सुबह 6 बजे खुलता है और इवनिंग में 6 बजे बंद होता है, तो सुबह 6 से लेके शाम को 6 बजे तक ये पार्क खुला होता है, तो आप सुबह आ सकते हो, शाम को आ सकते हो। तो अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे है एक छोटा सा रोज़ गार्डन, देखते हैं फिर सारे यहाँ पे, ये सारे यहाँ पे रोज़ इस तरफ भी ये गार्डन टाइप का छोटे छोटे बने हुए, क्योंकि अभी ये सीज़न ऐसा है कि इस टाइम रोज़ होते नहीं है, जनवरी फरवरी में ज़्यादा होते हैं, फिर भी अभी हैं थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों आपको दिखाता हूँ चीड़ के पेड़, ये देखिए दिल्ली में मैंने पहली बार ऐसे पेड़ देखे हैं, चीड़ के पेड़, क्योंकि ये पेड़ अधिकतर पहाड़ों में होते हैं, पहाड़ वाले एरिया पे होते हैं ज़्यादा, मैं पहली बार दिल्ली में देख रहा हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, ये देखिए रेस्टोरेंट सामने। तो अभी मैं ये बुद्ध स्टैचू के पास ही बैठा हूँ, ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पीछे बुद्ध स्टैचू। और अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। देखो वैसे तो मोस्टली जितना भी मैं भी घूमा हूँ यहाँ पे सारा, मेरे को अधिकतर यहाँ पे कपल्स ही दिखे, कपल्स ही यहाँ पे आए हुए, और फैमिली मेरे को बहुत कम दिखी, फैमिली एक दो ही फैमिली दिखी अभी, हो सकता है मॉर्निंग में यहाँ फैमिली आती हो। हाँ यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसमें 3-4 फैमिली बैठी हुई थी, तो आप अगर आते हैं तो आप मेन गेट से जैसे एंटर करते हैं तो मेन गेट से अंदर आएँ, यहीं पे पार्क है, आप पार्क में बैठें, घूमें फिरें, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है, फैमिली के साथ आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठें, शांति है, एकदम पीस है, कोई शोर शराबा नहीं है, ट्रैफिक का। तो बच्चों के लिए यहाँ पे झूले वगैरह कुछ नहीं है, ना झूले हैं, ना यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं, ना क्रिकेट खेल सकते हैं, कुछ भी अलाउ नहीं है खेलना, तो बच्चों को ना ही लाएँ तो अच्छा है। और आप फैमिली ग्रुप में आ रहे हैं तब अगर बच्चे आ रहे हैं तो आ सकते हैं। और यहाँ पे पहुँचने का तरीका है धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से, आप ऑटो ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आप करोल बाग मेट्रो स्टेशन से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी पास पड़ेगा, और या फिर आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं। पार्किंग है, इसके 4-5 गेट हैं, हर तरफ से इसकी एंट्री है और हर जगह से पार्किंग है, तो आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी अपनी आराम से। और ये सुबह 6 बजे खुल जाता है, शाम को 6 बजे बंद होता है, और इसकी एंट्री फ्री है, कोई एंट्री फीस नहीं है, तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सफ़र करता हूँ ख़त्म, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी वीडियोस आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।